बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एरर एंड मिस्टेक दोनों सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। और ये मिस्टेक का मतलब होता है फॉल्टी ऑब्जर्वेशन, लेकिन एरर का मतलब है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। अब ये ऐसे कैसे डिफरेंस आ गया, इसके लिए सुनो कि जैसे फॉर एग्जांपल हम रुतिक का एग्जांपल लेते हैं, ये रुतिक को क्या करना है, उसका वेट मेजर करना है। और हमें मालूम है कि रुतिक का जो वेट है वो 40 केजी है। तो रुतिक क्या हुआ कि विंग स्केल पे मेजर करने के लिए गया, फर्स्ट विंग स्केल ने उसका जो वेट था उसकी रीडिंग दिखाई 44 केजी, सेकंड विंग स्केल पे गया वहां पे रीडिंग थी 38 केजी, थर्ड विंग स्केल पे गया वहां पे रीडिंग थी 40 केजी, और एक विंग स्केल पे गया वहां पे रीडिंग थी 43 केजी। मतलब देखो ये जो वेट हम ऋत्विक का कंसिडर कर रहे हैं ये एक्चुअल है, और ये जो चार ऑप्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये हमारे ऑब्जर्वेशंस है, मतलब ये मेजर्ड वैल्यू है। तो अगर ये चारों का एक्चुअल वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे तो वहां पे कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो इसी डिफरेंस को इसके बिटवीन का डिफरेंस मेजर्ड वैल्यू जो अभी यहाँ पे हमने मेजर की है एंड एक्चुअल वैल्यू जो हमें पहले से मालूम थी कि वह जो एक्चुअल में होती है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसको एरर बोला जाता है। जैसे कि फर्स्ट केस में जो एरर आएगा वो होगा 44 माइनस 40, मतलब पहला वाला जो है विंग स्केल वो 4 केजी इतना एरर शो करता है, सेकंड जो है वो 38 शो कर रहा है, तो ये 40 माइनस 38 ये बनेगा 2 केजी, थर्ड जो है वो एक्यूरेट रीडिंग शो कर रहा है तो वहां पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है, मतलब वो जीरो एरर है। उसके बाद में और एक इंस्ट्रूमेंट है जो 43 शो कर रहा है, यानी कि वहां पे 3 केजी इतना एरर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक बार ऋत्विक इतने सारे वेइंग स्केल पे से वेट मेजर करके आ गया तो बाद में वो हम सबको बोलेगा कि फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इनमें एरर आते हैं लेकिन थर्ड में कुछ भी एरर नहीं आता है, यानी कि ये एक्यूरेट है। थर्ड जो वेइंग स्केल होगी वो क्या होगी, एक्यूरेट होगी, यानी कि ये एक्यूरेट वाली जो टर्म है वो रिलेट करती है दूसरे डिवाइस के साथ में, ठीक है। मतलब कि लेस एरर अगर है तो वहां पे मोर एक्यूरेसी होती है, ठीक है। तो एरर अगर कम है तो वहां पे एक्यूरेसी क्या होती है, बढ़ती है। इफ देयर इज अ लेस एरर देन एक्यूरेसी विल बी मोर। तो एरर की कंसेप्ट पे आते हैं कि एरर मतलब क्या है, मिस्टेक नहीं है। एरर मतलब वो इंस्ट्रूमेंट का खुद का होता है जिसको अपन बेसिकली कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वो डिफरेंस होता है बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो बेसिकली क्या है, देखो एक बात मैं आपको बोलता हूं कि हमने यानी ह्यूमन बीइंग ने आज तक कोई भी चीज जो मैन्युफैक्चर की है वो एररलेस नहीं बनाई है। आपको मालूम होगा जेई नीट के लिए एररलेस पब्लिकेशन का बुक भी है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी प्रिंट मिस्टेक है। मतलब एररलेस ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चर करना ये ह्यूमन बीइंग को पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एरर अगर किलोमीटर में नहीं आ रहा है तो मीटर में आता है, मीटर में मिनिमाइज करेंगे तो वो सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर में मिनिमाइज करेंगे तो मिलीमीटर में आएगा, मिलीमीटर में मिनिमाइज करेंगे तो माइक्रोमीटर में आएगा। लेकिन एरर कंपलसरी आता है, एरर हम मतलब 100% रिमूव नहीं कर सकते, बस हम उसको मिनिमाइज करके ये एक्यूरेसी थोड़ी अच्छे से मेंटेन करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो एरर रिलेटेड पार्ट है हम पूरा फोकस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आते हैं एंड उनको सॉल्व करने के प्रोसीजर के ऊपर। जो थ्योरेटिकल बातें हैं मैं आपको बाद में लिख के भी दूंगा, बोल भी दूंगा, और ऑलरेडी मैंने आपको नोट्स में दिए उसमें सारे प्रेजेंट है। तो होता क्या है, देखो एक्चुअल मुझे प्रोसीड करना है एक बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। जैसे अभी बात की हमने वेइंग स्केल की, और ये वेइंग स्केल का काम क्या है, वेट का मेजर करना। वैसे अगर मुझे लेंथ की मेजरमेंट करनी है तो मैं क्या करूंगा, वहां पे मीटर स्केल यूज करूंगा। इस तरह से अगर छोटी छोटी लेंथ है जो मिलीमीटर में है या फिर माइक्रोमीटर में, अब मिलीमीटर में मतलब क्या होता है, 10^-3 मीटर होता है, माइक्रोमीटर मतलब 10^-6 मीटर, ये यानी कि 0.001 मीटर, यानी कि 1 मीटर, इतने छोटे छोटे नंबर अगर हमें मेजर करनी है, उनकी लेंथ अगर मेजर करनी है तो हमारे पास कुछ डिवाइसेस होते हैं। जैसे ये वर्नियर कैलिपर होता है, अगर कॉलेज गए इस साल तो कॉलेज में जाने के बाद आपको ये इंस्ट्रूमेंट यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में
माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है या फिर स्पेरोमीटर है। तो ये जो सारे डिवाइसेस होते हैं इनका काम होता है एकदम छोटी छोटी लेंथ को मेजर करना, ठीक है। वैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है लेकिन सारे इंस्ट्रूमेंट तो अपन एक साल में पढ़ नहीं सकते, आगे जाके आपको वन बाय वन पढ़ने, तो ये दो चार इंस्ट्रूमेंट की अपन बात करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए हम कंसीडर करेंगे, जैसे कि मैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की बात कर रहा हूं, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की बात कर रहा हूं, और ये माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है वो लेंथ मेजर करता है। अभी लेंथ मेजर करने के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपके हाथ में जो पेन है, बॉल पॉइंट पेन उसको बोला जाता है, अगर इनका नहीं है तो उसका मैकेनिज्म आपको मालूम है या नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे कि जिस पॉइंट पे अपन उसको पेपर पे रखते हैं तो रखने के बाद क्या होता है, ये जो टिप होता है पेन का उसके अंदर एक छोटा सा स्पीयर होता है, तो पेपर में रखने के बाद वो स्पीयर अंदर चला जाता है एंड वहां से इंक बाहर जाती है, फिर जहां जहां अपन पेन घुमाएंगे वहां पे उसकी ट्रैजेक्टरी बन जाती है। इसका मतलब वो पेन के टिप में जो स्फेरिकल बॉब है, छर्रा है, स्पीयर है, उसकी हमें ओडी मेजर करनी है। ओडी यानी आउटर डायमीटर हमें मेजर करना है, ऐसे हम एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये आउटर डायमीटर मेजर कर रहे हैं हम जो पेन में स्पेयर है उसका, उसके लिए मैं ये इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो होगा क्या, अगर मैं रीडिंग लूंगा तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि वहां पे मैंने फर्स्ट रीडिंग ली, तो फर्स्ट रीडिंग में वहां पे रीडिंग आ रही है 1.00 माइक्रोमीटर, सेकंड रीडिंग आ रही है 0.80, थर्ड रीडिंग आ रही है 1.20, और एक रीडिंग ली वो आ रही है 1.400, और एक रीडिंग ली जो आ रही है 1.40। मतलब कि क्या है, देखो कि हर बार मैं जब भी रीडिंग्स लेता हूं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब जो इंस्ट्रूमेंट मैंने हाथ में लिया है उसमें पहले से कुछ ना कुछ एरर प्रेजेंट है। मैंने पहले बोला है कि कोई भी चीज मैन्युफैक्चर हम ऐसे नहीं कर पाएंगे जिसमें एरर नहीं होगा, यानी कि वहां पे एरर आना मस्ट है, कंपल्सरी वहां पे एरर आता ही है। बस हमें अगर मालूम है कितना एरर आ रहा है हम उसके ऊपर से कुछ प्रेडिक्शन बना सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में ऋतिक ने बोला था कि पहले इंस्ट्रूमेंट पे मत जाओ वहां पे एरर आता है, लेकिन फिर भी मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो मैं अगर यहाँ पे जाके रीडिंग लूंगा तो ऋतिक मुझे आइडिया देगा कि वहां पे 4 kg का एरर आता है। मतलब मेरा वेट अगर 80 kg है तो मैं एज्यूम करूंगा कि वेइंग स्केल ने अगर 80 kg मेजर किया तो वो 76 होना चाहिए था, यानी कि हर बार वो वेइंग स्केल क्या कर रही है 4 kg का एरर दिखा रही है, 4 kg वहां पे एक्स्ट्रा दिखा रही है। वैसे हम क्या करते हैं कि जितने सारे इंस्ट्रूमेंट हमें यूज करने हैं ये सारे इंस्ट्रूमेंट में कितना एरर आता है ये पहले से हम कैलकुलेट करके रखते हैं। तो ये कैलकुलेट करने की पूरी प्रोसेस में यहाँ पे बोलने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। ये प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट हमें यूज करना है, अभी फिजिक्स में, आगे जाके इंजीनियरिंग में या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं भी जाएंगे तो हर बार आपको इंस्ट्रूमेंट के साथ डील करना होता है। तो उस एक्सपेरिमेंट में कितना एरर कॉन्स्टेंट आता है वो कैलकुलेट करने की प्रोसेस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह से जो मैंने यहाँ पे लिया है एक दो चार रीडिंग लेनी है मैंने, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर एंड फाइव, ऐसे 5 रीडिंग मैंने ले ली। तो मैं ये रीडिंग्स को कुछ नंबरिंग दूंगा, ऑब्जर्वेशंस बोलूंगा, यानी ये A1 बनेगा 1.00, A2 बनेगा 0.80, A3 बनेगा 1.20, A4 बनेगा 1.00, A5 बनेगा 1.40। ऐसे ये 5 रीडिंग्स लेने के बाद फर्स्ट स्टेप में मुझे इनका मीन कैलकुलेट करना पड़ता है। अब ये मीन कैलकुलेट करने की प्रोसेस आपको 9-10 से मालूम है मैथ्स में, तो ये ए मीन निकालने का फॉर्मूला होता है A1 + A2 + A3 + A4 + 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स, यहाँ पे नंबर ऑफ रीडिंग्स 5 है। अब मैं ये सब की वैल्यूज अगर यहाँ पे पुट कर दूंगा तो इनकी मीन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये बनेगा 1.00, 0.80, 1.20, 1.00 प्लस 1.40 डिवाइडेड बाय ये 5 एज इट इज। अब इन सबको ऐड करेंगे तो 0.8, 1.2 ये बने 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 और ये 5.40, मतलब कि ये आ रहा है 5.40 डिवाइडेड बाय 5। अब हमें क्या करना है, इस 5.40 को 5 से
डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक जो है, आगे की बातें एकदम हमारा जो सिंपल मैथमेटिक्स है उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो 5.40 डिवाइडेड बाय 5, इसका आंसर आता है 1.08। तो ये मीन वैल्यू हो गई पांच रीडिंग की 1.08, ये फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर। अब ये एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए एकदम सिंपल प्रोसेस है, आपको क्या करना है कि ए में एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं तो मैं उसको डेल्टा ए वन बोलता हूं और इसका फॉर्मूला होता है मीन वैल्यू माइनस ए वन। सेम वे अगर डेल्टा ए टू निकाल रहे हैं तो वहां पे फॉर्मूला होता है मीन वैल्यू माइनस ए टू। अगर डेल्टा ए थ्री निकाल रहे हैं तो ये बनेगा मीन वैल्यू माइनस ए थ्री। अगर समझ में आ रहा है तो यू कैन टॉक विथ मी, हम साथ में भी बोल सकते हैं, जो मालूम है बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। डेल्टा ए फोर है तो ये बनेगा ए मीन माइनस ए फोर, और फिफ्थ रीडिंग है उसका एब्सोल्यूट एरर होगा डेल्टा ए फाइव इक्वल्स टू ए मीन माइनस ए फाइव। अब इनके वैल्यूज पुट कर देते हैं फिर हमें एक्चुअल में एब्सोल्यूट एरर्स मिलेंगे। तो मीन वैल्यू तो 1.08 थी, माइनस यहाँ पे ए वन चाहिए, ए वन कितनी है 1.00, यानी कि यहाँ पे 0.08 इतना एरर आ रहा है, ठीक है। सेकंड केस में ये मीन वैल्यू दिए आपको 1.08, ये कांस्टेंट है, सेकंड रीडिंग कितनी है 0.80, ठीक है। तो इसमें आने वाला एरर होगा 0.28, बाद में 1.08 माइनस ना 0.80, थर्ड रीडिंग कितनी है, सॉरी 1.20 है, तो ये बनेगा 1.20। और इसका आंसर कितना आएगा 0.12 आएगा, बराबर 1.08 माइनस 1.20, यानी ये बनेगा 0.12, लेकिन ये आ रहा है माइनस में, ये क्लियर है सबको? इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूंगा, वेरी गुड, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूंगा कि इस सब्सट्रैक्शन में आने वाला आंसर निगेटिव है, लेकिन यहाँ पे एरर का रूल होता है कि एरर नेवर बी निगेटिव, इसलिए मैंने बहुत बड़ा प्लस यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसको भूलना नहीं है। हर बार हम क्या करेंगे, एरर की वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे, जैसे मैंने ऊपर वेट मेजर किया था तब भी देखो ये 44 माइनस 38 को प्लस 2 लिखा था, सॉरी ये 44 ये 38 था, 40 माइनस 38 को मैंने प्लस 2 लिखा था, और ये 4340, मतलब हर बार ये पॉजिटिव वैल्यूज ली थी मैंने, लेकिन यहाँ पे जो है निगेटिव वैल्यू आ रही थी, लेकिन फिर भी उसको पॉजिटिव लेना है, मतलब जब भी हम एरर की बात करेंगे तो ये एरर कभी भी निगेटिव नहीं होगा, एरर को हर बार हमें मैग्नीट्यूड लेना है, यानी पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अब फोर्थ के ऊपर आते हैं, 1.08 माइनस ये फोर्थ रीडिंग क्या थी 1.00, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन अगर करेंगे तो ये फिर से आ रहा है 0.08, एंड लास्ट में 1.08 माइनस 1.40, तो इसका आंसर आएगा 0.32। ये प्लस टू या माइनस, क्योंकि माइनस प्लेन आई नहीं है, तो ये फिर से मैं प्लस लूंगा, ठीक है। बड़े बड़े प्लस निकाले हैं जिसको आप भूलेंगे नहीं। ये थर्ड स्टेप हो गई, सेकंड स्टेप हो गई। अभी थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है कि ये एब्सोल्यूट एरर का भी मीन निकालना है, यानी कि ये बनेगा मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, वही मीन निकालना है बस ये एरर का, यानी डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री प्लस डेल्टा ए फोर प्लस डेल्टा ए फाइव डिवाइडेड बाय 5। अब सारे नंबर को पुट करेंगे, 0.08 प्लस 0.28 प्लस 0.12 प्लस 0.08 प्लस 0.32। एडिशन के ऊपर फोकस करो, गलत होगी तो बोलो मुझे, मैं अंदर नहीं लिख रहा हूं, मैं कर नहीं रहा हूं, ठीक है। अब इन सबको मुझे ऐड करना है, तो बोलो इसकी एडिशन कितनी आती है, पॉइंट एट एट। चलो आंसर बोलने, आपको बैठना नहीं है, जीरो पॉइंट एट एट डिवाइडेड बाय फाइव, तो 0.88 को अगर फाइव से तो ये बना 176, ठीक है। तो बस
सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी नया मैंने वर्क नहीं किया। तो ये मीन एब्सोल्यूट ईयर आने के बाद ये नेक्स्ट स्टेप आती है जिसको मैं स्टार मार्क करूंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको बोला जाता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, ये निकाला जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, इनका डिवीजन लेके मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना था 0.176 और मीन वैल्यू कितनी आ गई थी 1.08 थी शायद, हाँ 1.08। तो इनका अगर डिवीजन करेंगे 1.08 तो ये बनेगा 0.16। आगे के नंबर नहीं लेंगे तो भी चलेगा क्योंकि हमने वैल्यूज को डेसिमल के बाद में दो डिजिट तक लिया था। तो रिलेटिव एरर आ गया 0.16 और इसके ऊपर से फाइनली हम कैलकुलेट करेंगे कि परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर में हमें क्या करना पड़ता है, बस ये रिलेटिव एरर जो आया था इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये 0.16 को 16%, तो ये हो गया हमारा फाइनल है। फक्त बोलता नहीं ना, माइक बंद कर चला, ठीक है ना। चलो तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें फाइनल आंसर मिल गया 16%। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जिस माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मैंने यहाँ पे बात शुरू की थी वो हमें मालूम हो गया कि कभी भी रीडिंग लेंगे तो वो 16% वाला एरर देगा। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने वो इंस्ट्रूमेंट हाथ में लिया और हाथ में लेके मैंने लेंथ मेजर की और उसका आंसर आ गया 100 माइक्रोमीटर। तो मुझे मालूम है कि ये एक्यूरेट 100 माइक्रोमीटर तो नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा इसको इस तरह से लिखूंगा 100 ± 16% माइक्रोमीटर। मतलब कि क्या होगा कि 100 में हर बार 16% का 16% का एरर आएगा। अभी 100 के 16% यानी 100 होते हैं तो ये बनेगा 100 ± 16 माइक्रोमीटर। यानी कि जो प्लस माइनस लेना ना बेटा, क्योंकि हमें मालूम नहीं ज्यादा या कम है, दोनों भी हो सकते हैं। तो ये एक तो 116 माइक्रोमीटर होगा या फिर 84 माइक्रोमीटर होगा। जो मैंने 100 माइक्रोमीटर मेजर किया था वो एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन वो इन दोनों के इन बिटवीन होगा, ये हमें इंस्ट्रूमेंट का एरर पता चल गया, ठीक है। अभी सेकंड केस, जैसे कि मैंने लेंथ मेजर की है जिसकी वैल्यू आ रही है सपोज 20 माइक्रोमीटर, सेम इंस्ट्रूमेंट था तो मुझे बोलो 20 माइक्रोमीटर अगर मैंने मेजर की तो एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। कैसे आएगा, मैं से लिखेंगे कि 20 ± 16%। फिर हमें क्या करने पड़ेंगे, ये 20 के 16% निकालने पड़ेंगे। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ऐसे कि 100 के 16 है तो 20 के कितने क्वेश्चन मार्क है, तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करते हैं तो ये बनेगा 16 × 20 / 100, यानी कि ये बना 3.2। तो इसका मतलब जो लेंथ मुझे 20 माइक्रोमीटर मिली थी वो हो सकती है 20 ± 3.2 इतनी, यानी कि 20 + 3.2 दैट इज 23.2 भी हो सकती है और ये 16.8 माइक्रोमीटर भी हो सकती है। मतलब कि एक बार एरर कितना आता है ये अगर मालूम हो गया तो फिर हम वहां पे एक्यूरेट रीडिंग ले सकते हैं। समझ में आ गया सबको। अभी आपको क्या किया, मैंने दूसरा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज दे दिया जिसका एरर मालूम नहीं है और हमें निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 3-4 रीडिंग ले लूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल ये आपको सॉल्व करने के लिए मैं दे रहा हूँ और इसमें मैंने वो देखा कि फर्स्ट रीडिंग है वो आ रही है 2.00, सेकंड रीडिंग है वो आ रही है 2.20, थर्ड रीडिंग आ रही है 1.80, फोर्थ रीडिंग आ रही है 2.00। ये 4 रीडिंग मैंने ले ली और मैंने आपको अभी बोला है
कि जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे थे उसमें परसेंटेज एरर कितना होगा, और ये आपके लिए क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्व, अभी सॉल्व करना है आपको, ठीक है। और उसकी जो ऊपर की प्रोसेस है वो वन बाय वन मैंने यहाँ पे शो की है, फिर से मैं वो पेज ओपन करता हूँ, ठीक है। तो देखो ये प्रोसेस देखेंगे और जो क्वेश्चन था उसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये पेज का ये स्टेप होने के बाद मुझे बोलो, मैं प्रोसीड करता हूँ। कितना आ रहा है ये सब्सट्रैक्शन बोलो
10.15 माइनस 8.40 आएगा 1.75। डेल्टा E3 आएगा 10.15 माइनस थर्ड रीडिंग 12.00, ठीक है। तो 10.15 माइनस ये 12.00 आता है 1.85। और लास्ट में डेल्टा A4 होगा 10.15 माइनस 10.00 यानी कि 0.15। अभी आने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, डेल्टा ए मीन, और इसका होगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 डिवाइड। तो इन सबकी करो एडिशन, 0.05 प्लस 1.75 प्लस 1.85 प्लस 0.15, कितना आता है ये 3.8 अपॉन 4, तो ये आएगा 0.95। अब इसके बाद में आएगा रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर में क्या करना है, ये डेल्टा ए मीन को ए मीन से डिवाइड करना है, यानी ये बनेगा 0.95 डिवाइड बाय मीन कितना है 10.15। तो ये 0.95 डिवाइडेड बाय 10.15 ये आता है 0.009। 09 ना बेटा, क्या 009? 009 देखो ना एक बार ठीक से,
जैसे कि एक रेजिस्टेंस मेजर करने वाला डिवाइस है जिसने रेजिस्टेंस मेजर किया है 25 प्लस और माइनस 3 ओम, तो उस इस एक्सपेरिमेंट का और इंस्ट्रूमेंट का परसेंटेज एरर कैलकुलेट करो। 12% वेरी गुड, कैसे 12%? एक्सलेंट, 12% हो गया। यस यस, समझ में आया, करेक्ट। अभी फिर से टेम्परेचर दिया है 75 प्लस और माइनस 4 डिग्री सेल्सियस, तो परसेंटेज एरर इन द टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस। एक्सेलेंट, 5.3%। नेक्स्ट एग्जांपल, आपको एक इंस्ट्रूमेंट में फोर्स मेजर किया है, वो आ रहा है 120 प्लस और माइनस 12 न्यूटन, तो इंस्ट्रूमेंट कितना परसेंट फॉल्टी है, उसमें परसेंटेज एरर कितना होगा, निकालो। 10। एक्सेलेंट। अभी नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमें मेजर करना है प्रेशर, और ये प्रेशर आपको दिया है 320 प्लस और माइनस 15 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर। एक्सेलेंट, 4.68%। वेरी गुड, तो सबको समझ में आ गया कैसे एरर कैलकुलेट करते हैं। यस सर। तो होगा क्या, देखो ऊपर जो हमने डिस्कस किया ये एकदम सिंपल प्रोसीजर है, लेकिन ये इतना टाइम कंज्यूम करती है कि एग्जाम में जो भी MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं वो क्वेश्चन सेट करने वालों को मालूम है कि एक मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व तो होगा नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने की आगे जो मैं प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्ट है, एंड उसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब उसके लिए मैं कुछ यहाँ पे रूल्स बोलूंगा, ये रूल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, एकदम सिंपल है, एकदम सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड का मैथ चल रहा है ऐसे लगेगा कि अगर आपको कोई भी क्वांटिटी इस फॉर्म में दी है एक्स इक्वल्स टू ए इंटू बी, जैसे फॉर्मूला होता है ना कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम इंटू जी इंटू एच, मतलब डिफरेंट क्वांटिटी के बिटवीन अगर मल्टीप्लिकेशन है, जैसे कि एक्स इक्वल्स टू ए इंटू बी दिया है और बोला है कि ए में आने वाला एरर 2% है, बी में आने वाला एरर 4% है, तो परसेंटेज एरर इन एक्स अगर कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी, इनकी सम करनी डायरेक्टली, यानी आंसर आता है 6%। देखो कैसे, हाँ जैसे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की और बोला कि मास में आने वाला जो एरर है वो 1% है, एक्सेलरेशन में आने वाला एरर 2% है, हाइट में आने वाला एरर 3% है, तो परसेंटेज एरर इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बोलो, 6%। या फिर कभी कभी क्या होगा, कोई क्वांटिटी इस तरह से होगी x इक्वल्स टू ए बाई बी, हाँ 6 करेक्ट है, जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो उस केस में अगर ए में परसेंटेज आपको 2 दिया है एंड बी में परसेंटेज 4 दिया है तो परसेंटेज एरर इन x कितना होगा, परसेंटेज एरर इन ए माइनस परसेंटेज एरर इन बी, तो कितना होगा 2 माइनस 4 कितना होगा, गुड 2। यही मिस्टेक करनी नहीं है, इसलिए मैं फिर से एक बड़ा वाला प्लस यहाँ पे ड्रॉ करूंगा कि एरर की कभी सब्ट्रैक्शन नहीं होती है, तो ये अब आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आने वाला एरर क्या है, 6%, यानी क्वांटिटीज में मल्टीप्लीकेशन है तभी भी एडिशन करो, डिवीजन है फिर भी क्या करनी है, एडिशन ही करनी है, नहीं बोलेंगे ना, जैसे अभी डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है और बोला कि मास में एरर 4% है, वॉल्यूम में एरर 3% है,
तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, कम ऑन फास्ट, वन सेवन वन या सेवन सेवन यस यस करेक्ट करेक्ट ठीक है आगे टेन परसेंटेज यस करेक्ट. अब नेक्स्ट क्वांटिटी इस तरह से दी है कि x इक्वल्स टू ए रेस टू एम इन टू बी रेस टू एन और बोला है कि परसेंटेज एरर इन ए ये 2% है, परसेंटेज एरर इन बी ये 4% है. तो इस तरह के फॉर्मूले में अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो बस हमें ये पावर से एरर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी ये बनेगा 2 इंटू एम प्लस 4 इंटू एम. जैसे कि एग्जांपल के लिए काइनेटिक एनर्जी दी है, उसका फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर और बोला है कि मास में एरर 2% आ रहा है, वेलोसिटी में एरर 3% आ रहा है. तो अब इसको सॉल्व करना है तो परसेंटेज एरर इन एनर्जी कितनी होगी, मास की पावर 1 है तो 1 इंटू 2 2, वेलोसिटी की पावर 2 है तो 3 इंटू 2 6, यानी ये बना 8%. एंड लास्ट रूल जिसमें अगर क्वांटिटी इस तरह से दी है x इक्वल्स टू a रेस टू m डिवाइडेड बाय b रेस टू n और बोला है कि a में आने वाला एरर 3%, b में आने वाला एरर 8%, तो उस केस में परसेंटेज एरर इन x कितना होगा, m इंटू 3 माइनस n इंटू 8. एक्सेलेंट, वेरी गुड, इसलिए मैं फिर से बड़ा प्लस लूंगा. ठीक है, यह अगर पॉजिटिव होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है एंड क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ का क्यूब और बोला कि मास में एरर 2% है, लेंथ में एरर 4% है, तो डेंसिटी में कितना होगा परसेंटेज एरर, बोलो 14% हो गया. इतना अगर समझ में आ गया तो देखो इस टॉपिक के एमसीक्यू आपके 90% सॉल्व हो जाएंगे, आपको डाउट ही नहीं होगा. ठीक है, तो ये थी बेसिक सिंपल प्रोसीजर टू कैलकुलेट द परसेंटेज एरर. लेकिन क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में इस तरह से कुछ मॉडल क्वेश्चन अभी देता हूँ और इवनिंग तक मैं आपको वर्कशीट भी ग्रुप पे अपलोड करूंगा जो आपको सॉल्व करनी है. देखो एग्जाम्पल ऐसे बोला जाता है कि कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी इफ मास दिया है आपको 20 प्लस और माइनस 3 kg एंड लेंथ ऑफ द क्यूब ये दी आपको 75 प्लस और माइनस 5 मीटर और करो सॉल्व, ऐसे बोला जाता है. तो बेसिकली क्या है, देखो अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले परसेंटेज एरर इन डेंसिटी क्या होगा, परसेंटेज एरर इन मास प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन लेंथ होगा. ये क्लियर है सबको. देखो लास्ट केस है डेंसिटी की, इसके अकॉर्डिंग ये लिखा है, यहां तक क्लियर है सबको, ये क्लियर है क्या? ओके चलो, तो अभी पहले मुझे परसेंटेज एरर इन मास डायरेक्टली दिया करते थे, यहाँ पे दिया था, अभी नहीं दिया है. लेकिन परसेंटेज एरर निकालने के लिए हमें मालूम है क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 करना पड़ेगा. याद है ना, ये ऊपर सॉल्व किए थे बहुत सारे एग्जांपल ऐसे, ये इस टाइप के एग्जांपल, ये जो आप आंसर बोल रहे हो. तो क्या होगा, डेल्टा एम मतलब लेंथ का क्यूब लेना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने ये देखो यार 3 से मल्टीप्लाई किया, देखो क्यूब था इसलिए. दिखा क्या? यस सर. ओके, तो ये डेल्टा एम अपॉन एम यानी 3/20 इंटू 100, तो ये बनेगा 5, तो ये बना 15%. सेम परसेंटेज एरर इन लेंथ कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 5/75 इंटू 100, तो ये 3 ये 4 4 इंटू 5 20 20/3 मतलब 6.6% हो गया. यानी परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज इक्वल्स टू होगा 15 प्लस 3 इंटू 6.6 यानी फिर से ये 20 आएगा. तो 15 प्लस 20 यानी डेंसिटी में आने वाला एरर होता है 35%. ये हो गया आपका आंसर. ठीक है, तो आज जितने